charges each plus q placed at the corners of an isosceles triangle ABC of side BC of sides BC and AC 2A, क्योंकि isosceles triangle में पता है आपको two sides are equal, तो BC और AC ये 2A है. D and E are the midpoints of BC and CA, तो यहाँ पे E point midpoint दिखाना चाहिए था, right? The work done in taking a charge plus Q from D to A, D to E, मतलब इस point से E point तक आपको charge को move करना है. What will be work done in this case? तो ये midpoint यहीं पे आएगा actually. Good. So solve this. Look here. The thing is, the moment they say कि ये जो isosceles triangle का BC और CA side equal length का है, D BC का midpoint है, E AC का midpoint है, और क्योंकि सारे के सारे corners पे charges same है, तो देखो ऐसा है कि D point के लिए B जो है मतलब plus Q है A distance पे, और ये भी है A distance पे, और ये जो भी distance होगा for the time being I don't care, let us say some distance y, some value y. E पॉइंट के लिए भी एक प्लस क्यू ए पे है, एक प्लस क्यू ए पे है, और अपोजिट वर्टेक्स जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये डिस्टेंस भी वाई आएगा. पोटेंशियल एट डी विल बी पोटेंशियल ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी. पोटेंशियल एट सी ई विल बी ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी. दोनों केसेस में चार्जेस तो सेम है, दोनों केसेस में दो डिस्टेंस ए ए है और दो एक एक डिस्टेंस वाई वाई है, राइट राइट. इट इज बिकॉज चार्जेस आर सेम राइट ऑन ऑल थ्री वर्टेक्स. अगर एक को भी मैंने माइनस क्यू कर दिया तो फिर जीरो नहीं आएगा, राइट. एंड इट इज बिकॉज डी और ई मिड पॉइंट है आइसोसेलेस ट्राइंगल के, जो दो इक्वल लेंथ के साइड है उसका मिड पॉइंट है, मतलब उन डी और ई पॉइंट से तीनों के तीनों वर्टेक्स मतलब तीनों के तीनों चार्ज दे विल बी मोर और लेस एट द सेम डिस्टेंस. कैसे? क्यू क्यू एट ए ए, वन क्यू एट वाई, ई के लिए भी क्यू क्यू एट ए ए एंड वन क्यू एट वाई, तो पोटेंशियल विल बी सेम. पोटेंशियल विल बी सेम मतलब वर्क डन इज द चार्ज दैट यू आर मूविंग फाइनल माइनस इनिशियल, सिंस द पोटेंशियल आर सेम वन डेंसिटी. आपको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे. इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, जिसको नहीं समझा मैं वापस बता रहा हूं. द थिंग इज सिंस दिस साइड ए सी एंड दिस साइड बी सी राइट दे आर सेम. अभी थोड़ा ट्राइंगल अलग देखा तो समझ लेना, I don't really, I'm not drawing to the scale. Right. B, C, A. यहाँ पे Q था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे भी Q था. D जो है ये मिड पॉइंट है BC का, C जो है E जो है ये AC का मिड पॉइंट है. D के लिए एक चार्ज प्लस Q A डिस्टेंस पे है, एक चार्ज प्लस Q A डिस्टेंस पे है, और ये जो है ये सम Y डिस्टेंस पे है. E के लिए भी एक Q A डिस्टेंस पे है, एक Q और एक A डिस्टेंस पे है, और एक क्यू वो वाई डिस्टेंस पे है. पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? चार्ज अपॉन डिस्टेंस. तो डी और ई दोनों के लिए पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, मतलब वर्क डन में फाइनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट करोगे तो जीरो ही आएगा वो.